मिल्लत का अजीम अदारा इस्लामिया हॉस्पिटल ने आज एक और तरक्की का कदम तय कर लिया है और आज से चितरंजन एवेन्यू स्थित इस्लामिया हॉस्पिटल के फार्मेसी शॉप की शुरुआत हो गई है। आपको बता दें कि आज दोपहर सांसद नदियाम हक, इस्लामिया अस्पताल के जनरल सेक्रेटरी अमीरुद्दीन बॉबी, IMA के डॉक्टर शकील अहमद और इस्लामिया हॉस्पिटल के अन्य मेंबर्स की मौजूदगी में इस्लामिया फार्मेसी का उद्घाटन किया गया। आपको बता दें यहां सभी प्रकार की दवाई फ्लैट 20% डिस्काउंट रेट पे अवेलेबल है। सातों दिन के 2400 घंटे ये अपनी सेवाएं उपलब्ध देता रहेगा। वहीं इस मौके पर सांसद नदियम हक ने लोगों से अपील की है कि ये महीना एक अजीम बरकत वाला महीना है, इसलिए आप लोग इस्लामिया हॉस्पिटल जैसे संगठन को दिल खोल कर दान करें और यकीनन इसका सवाब आपको मिलेगा। वहीं इस हॉस्पिटल के महासचिव अमीरुद्दीन बॉबी ने कहा है कि कोलकाता के मेयर और इस्लामिया हॉस्पिटल के प्रेसिडेंट फिरहाद हकीम के नेतृत्व में ये संगठन दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की कर रही है और इसी के साथ उन्होंने बताया है कि 10 मंजिला इस्लामिया हॉस्पिटल की पूरी इमारत इसी साल से ऑपरेशनल हो जाएगी। साथ ही उन्होंने बताया है कि इस्लामिया हॉस्पिटल में स्वास्थ्य साथी कार्ड एक्सेप्टेबल है, इसीलिए आप लोग इस संगठन की खिदमत का भरपूर फायदा उठाएं। आपको बता दें कि इस मौके पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर शकील अहमद की ओर से इस्लामिया अस्पताल को 10 नेबुलाइजर मशीन डोनेट किया गया। देखिए, सबसे पहले तो मैं स्थानीय हॉस्पिटल जैसे दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है, मैं इसके लिए परवरदिगार का शुक्रगुजार हूँ, दुआगो हूँ कि मजीद और ये तरक्की हो। दूसरी बात, इसी तरक्की का एक संगमील आज की ये फार्मेसी का ओपनिंग है कि आहिस्ते आहिस्ते आप देख रहे हैं कि OPD और OT और जो जनरल बेड सब है, सबका काम चल रहा है, लिफ्ट का काम चल रहा है, अभी हम लोग सब पूरा देख रहे थे, और साथ साथ ये फार्मेसी का भी ओपनिंग हुआ है। मैं सिर्फ अपील करूंगा पब्लिक से कि देखिए, मुबारक महीना है रमज़ान का और इस वक्त जो लोग अपने तरफ से ताउन करते हैं उनका हिसाब किताब नहीं होता है, लिहाजा दिल खोल करके ताउन कीजिए क्योंकि ये अस्पताल एक वर्ल्ड क्लास अस्पताल बनने वाला है। आपका ताउन रहेगा हम लोग को और खुशी होगी। क्या हमारे असलाफ ने इस अस्पताल के लिए जो ख्वाब देखा था, क्या वो धीरे धीरे शर्मिंदा ताबीर हो रहा है? मैं तो कहूंगा कि भाई 80% तो ताबीर हो गया है और बाकी 3 महीने में बाकी भी उसका ताबीर हो जाएगा खाफ। क्या मैसेज देंगे आप यहाँ से? इस मैं वही कहूंगा फिर से कि भाई कि मैं सारे पब्लिक को, कलकत्ता के और बंगाल की और हिंदुस्तान की पब्लिक को पूरा ताउन की अपील करता हूँ कि देखिए, आपका अस्पताल आपके सामने आज ये खड़ा हो गया, शानदार इमारत तैयार होकर के खड़ी है और जितना आप इस महीने में दीजिएगा उतना ही आपको भी सवाब होगा और जो गरीब यहाँ पर आएंगे उनके से भी दिल से उनके भी दुआ निकलेगी। देखिए, ये फार्मेसी जो है आज से ओपनिंग हो चुका है, इससे पहले भी हमारा चल रहा था फार्मेसी, ऐसा नहीं है कि नहीं है, मगर फार्मेसी के साथ साथ आज हम लोग पूरे मैनेजिंग कमेटी के जितने मेंबर हैं सारे लोग इकट्ठा हुए हैं और हमारा 6th फ्लोर 5th फ्लोर OT 3 OT हमारा चालू है, वहाँ OT भी हो रहा है हर तरीके से। 6th फ्लोर OT इंशाल्लाह आने वाला अगले महीने 10 से 15 तारीख के अंदर में वो 5 OT और मुकम्मल हो जाएगा इंशाल्लाह, फुल फ्लेज में वो भी चलने लगेगा। उसके बाद हम लोग CT स्कैन का ऑलरेडी हम लोग पेमेंट कर चुके हैं, ऑर्डर में दिया हुआ है, ट्रांजिट में है, नेक्स्ट मंथ तक हमारा CT स्कैन भी बैठ जाएगा और उसके बाद हम लोगों का टारगेट रहेगा, हमारे जो मेयर हैं फिरहाद हकीम साहब जो यहाँ के सदर भी हैं, उनका बहुत बड़ा ताउन रहा है, बहुत बड़ा उनका हाथ है कि जो आज ये हॉस्पिटल दिख रहा है उनका बहुत बड़ा रोल है। उन्होंने जो है फिर कैटलर का यहाँ बैठाने के लिए जो है हमारा एक ही OT रह जाएगा जो स्टेन वगैरह बैठ सकता है हार्ट में, वो कैटलर हम लोग बढ़ाएंगे, वो लगभग 4 करोड़ का बजट है। इंशाल्लाह मैं लोगों को दरख्वास्त करूंगा इस्लामिया हॉस्पिटल आप लोगों के ताउन से, आप लोगों के दुआ से G+4 बन चुका है, अब इसमें OT भी चल रहा है, OPD भी चल रहा है, मेडिकल शॉप भी आप देख रहे हैं, फार्मेसी भी चल रहा है, यहाँ डिस्काउंट में भी मिलेंगे दवा वगैरह, सब डिस्काउंट में मिलेंगे, आउटसाइडर भी आ सकते हैं इन हाउस, जैसे कि हॉस्पिटल में जो भी दवा लग रहा है OPD चल रहा है, OPD में जो भी दरकार पड़ेगा आप लोग यहाँ आके परचेस कर सकते हैं, दवा खरीद कर सकते हैं और कम पैसे में भी आपको यहाँ दवा अवेलेबल मिलेगा। तो मैं उन लोगों से दरख्वास्त करूँगा कि इस्लामिया हॉस्पिटल लोगों की खिदमत के लिए हमेशा खड़ा रहा है, आज भी है और कल भी रहेगा, मैं रहूँ या ना रहूँ, मगर ये इमारत जिन लोगों ने डोनेट किया था
ये सोच के किया था कि गरीब लोगों का इलाज हो। आज यहाँ 700 साथी कार्ड जो दीदी का एक प्रकल्प है, दीदी का जो सोच था उसको मेयर साहब और हमारे पूरे टीम ने मुकम्मल करने की कोशिश की। आज यहाँ 700 साथी कार्ड एक्सेप्ट हो रहा है, सारा ऑपरेशन यहाँ हो रहा है, मेडिसिन आपको यहाँ मिल रहा है, सारे चीज़ आपको हैं। मैं उन लोगों से ताउन करूँगा कि लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। रमज़ान मुबारक महीने में यहाँ लोग जितने ताउन करेंगे, ये सही प्लेटफॉर्म है और सही जगह है जो आप अपने मन को अल्लाह के राह पे, अल्लाह के पैसे को आप यहाँ ताउन कर सकते हैं। और इसको और ज़्यादा से ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट जो लगता है, हमें लगना है, डायलिसिस लगना है, सारे चीज़ हैं, वो ऑलरेडी प्रोसेस में है। इंशाल्लाह वो जितने ताउन करेंगे उतनी तेज़ी से ये हॉस्पिटल मुकम्मल हो जाएगा, जो कि लगभग 300 बेड का हॉस्पिटल होगा और सारे फैसिलिटीज़ इसमें मिलेंगे। इमरजेंसी है, आपको पैथोलॉजी है, अल्ट्रासोनोग्राफी है, सीटी स्कैन मशीन है, एक्सरे मशीन है, एवरी फैसिलिटीज़ यहाँ है। इवन कैंसर पेशेंट का जो है वो भी यहाँ ट्रीटमेंट चालू है, वो अपना क्रीमो आपको दे सकते हैं, सारे चीज़ यहाँ हम लोग मुहैया किए हैं। इंशाल्लाह आप लोगों के ताउन रही और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आप ताउन करेंगे जिसको हम और अच्छे तरीके से इसको मुकम्मल कर सकें। 700 साथी कार्ड यहाँ पर एक्सेप्टेबल है 100%। ये जब से हमने ओपनिंग किया है 700 साथी कार्ड, आज भी 20 पेशेंट यहाँ हमारे मौजूद हैं, 20-25-30 पेशेंट तक जो है 700 साथी यहाँ पेशेंट को हम लोग डाले हुए हैं। ICU भी चल रहा है, सारे चीज़ यहाँ इंतजाम है। आप लोग बेफिक्र यहाँ आइए और इस 700 साथी का जो है कार्ड को एक्सेप्ट यहाँ हो। कौन कौन सा वार्ड अभी एक्टिव है यहाँ? सब है, ICU है, जनरल बेड है, सब एक्टिव है हमारे यहाँ। आने वाले दिनों में क्या आप लोग का पाइपलाइन में क्या करना है आपको? देखिए पाइपलाइन कुछ नहीं है, इसको जल्द से जल्द हम लोग 2-3 महीना के अंदर में ये पूरा मुकम्मल हो जाएगा। फुल फ्लेज ही चल रहा है, ये कोई ऐसा हाफ ऑफ नहीं चल रहा है, यहाँ फुल फ्लेज में है। पेशेंट अच्छे खासे पेशेंट है और वो और भी हम लोग OT बढ़ाएंगे कि और ज्यादा से ज्यादा बेड इस्लामी हॉस्पिटल पूरा मुकम्मल हो जाएगा। मैं समझता हूँ इस साल जाने नहीं देंगे, उससे खबल हो जाएगा। मेडिसिन शॉप है क्या, कोई बाहर के लोग भी आ सकते हैं? कोई भी आ सकता है, ये मेडिसिन शॉप है, यहाँ डिस्काउंट में है, बाहर के लोग, अंदर के लोग, जहाँ जिन क्या रहेगा स्टोर टाइमिंग 24 आवर्स है, 24 घंटा खुला है। हमारे डॉक्टर साहब डॉक्टर शकील अख्तर साहब जो हैं, वो उन्होंने 10 नेबुलाइजर मशीन दिया है, डोनेट किया आज उन्होंने, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और इसी तरीके से लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, या रकम दे या कोई स्पॉन्सर कर दें, कोई टेक्निकली कोई मशीन हो या किसी तरीके से हम लोगों का जो रिक्वायरमेंट है उसमें आप ताउन कर दें तो हम लोग तैयार हैं आपके ताउन लेने के लिए। मरहूम सुल्तान अहमद साहब के साथ यहाँ पर आए थे आप लोगों ने इसको बेहतर से बेहतर करने का ख्वाब देखा था, आज वो नहीं है, बॉबी हकीम इसको लीड कर रहे हैं, क्या उनके सदर क्या लगता है उनका ख्वाब कितना हद तक पूरा हो रहा? देखिए 80% ये हो चुका है, इंशाल्लाह 20% जो कमी है मैं उम्मीद करता हूँ 2-3 महीना में वो भी चालू हो जाएगा। ठीक है, लोकल लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने 5-6 साल तक इस्लामी हॉस्पिटल के बंद होने से तकलीफ सहा, आज इस्लामी हॉस्पिटल फिर से शुरू हो रहा है और नई नई सुविधाओं के साथ शुरू हो रहा है। हम फार्मेसी जो खोल रहे हैं इसके अंदर में 20% फ्लैट डिस्काउंट दे रहे हैं, ये फार्मेसी 24 घंटा खुलेगी और 7 दिन खुलेगी, यहाँ पे हर तरह की दवाई उपलब्ध रहेगी। इसके साथ में मैं बॉबी भाई का भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिनका इस हॉस्पिटल को बनाने में बहुत योगदान है, उन्होंने कैसे फंड अमीरुद्दीन बॉबी साहब का बहुत योगदान, उनका योगदान सराहनीय है। आज वैसा आदमी मिला जिसके कारण ही ये इस्लामी हॉस्पिटल का ये रूप हमें देखने को मिल रहा है, उन्होंने कैसे इसका विस्तार किया, कैसे यहाँ पे नई नई सुविधाएं, उनका समय देना, सब टाइप की मेडिसिन मिलेगी यहाँ, सब तरह की दवाई मिलेगी, ऑल टाइप्स ऑफ मेडिसिन, कैंसर की दवाई भी मिलेगी, सब तरह की दवाई एनी टाइम उपलब्ध, और इनकेस अगर कोई हाँ अभी फार्मेसी स्टार्ट हुआ है, हो सकता है अभी कुछ टाइम अवेलेबिलिटी का प्रॉब्लम होगा, लेकिन वो प्रॉब्लम बहुत जल्दी ही हम लोग सॉल्व कर लेंगे। इसके साथ में आमिर भाई का भी बहुत योगदान है, जो आकर के डेली टाइम देते हैं, सभी मेंबर्स जिन्होंने इतना सुझाव दिया, सबका बहुत योगदान है, ये सराहनीय है, बहुत सराहनीय है। बहुत सारा दवाई जो स्पेशल रेट में मिलेगा, बहुत सारा जो दवाई है वो यहाँ पे स्पेशल रेट में मिलेगी, जिसका मैंने 50% डिस्काउंट 60% डिस्काउंट इस तरह से भी दवाई मिलेगी।